हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा यूपीएसआई में, क्या चीज़ें होंगी और कितना इससे इफेक्ट पड़ सकता है, कितना इफेक्ट नहीं पड़ सकता, आपके कितने नंबर हैं कि आप सेफ हैं और क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ों के ऊपर एक कंप्लीट है और क्या आपको रिस्क की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी इसके वीडियो में ही मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है मेरे पास में वो गर्ल्स की है। गर्ल्स लोग बता रही है क्योंकि 90 है, 95 है, 100 है, क्या उन्हें रिस्क की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनका सॉल्व कर दूं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या होने वाला है। तो पहले मैं, अगर कोई गर्ल्स है और मेरी वीडियो देख रही है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 90 से 100 के बीच में है और आपको डाउट हो रहा है कि आप रिस्क की तैयारी करें या नहीं करें, तो मेरे को लगता है कि आपको जरूर रेस की तैयारी करनी ही चाहिए। अगर आप 90 से 100 के बीच में है तो आप जरूर रेस के लिए जाइए। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बचा हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में मेन खेल होना बचा हुआ है, तो अभी ये चीज़ें होंगी। बट शर्त एक ही है कि आप सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे नहीं रहे, बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर रहे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम बदलेगा और वो गेम बदलेगा अभी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो अभी आपका जो पेपर हुआ है वो 54 शिफ्ट में हुआ है और आसान काम नहीं है 54 शिफ्ट को एक रेंज में लाना और एक रेंज में लाके नंबर देना। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे आपकी चीज़ें चेंज करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं, जिनके नंबर 120 हैं, 110 हैं, 130 हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि मेरा नंबर है, पर जिनके एक्चुअल में कम नंबर आए हैं उन लोगों ने बताया नहीं है क्योंकि वो लोग निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, वो लोग नहीं बता रहे हैं। जिनके 95 भी है, 90 भी है, वो लोग भी बहुत कम आ रहे हैं सामने कि वो बताएं अपना नंबर। तो अब इसमें होगा क्या कि एक एवरेज बंदा जो होगा वो 80-90 नंबर के बीच में होगा। अब होगा क्या कि जब एवरेज लोगों को, क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन होती है वो एवरेज लोगों को देखे की जाती है, तो जब वो एवरेज देखेंगे और आपका शिफ्ट का जो एवरेज देखेंगे, क्योंकि देखिए तीन शिफ्ट हुई हैं और मेरे हिसाब से जो थर्ड शिफ्ट हुआ है वो थोड़ा सा हार्ड हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, ऐसा हुआ है जैसा कि सबने बताया है। अब ये चीज़ मैं नहीं बता रहा, ये चीज़ सब लोग जो लोग मुझे कॉल करके बता रहे हैं उन लोग के बता रहा हूँ डिटेल। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसका 110 नंबर है वो शायद बाहर हो जाए और जिसके 105 नंबर है, 102 नंबर है, वो शायद अंदर हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत लोग बॉर्डर लाइन पे होंगे, जिसमें बहुत लोग बॉर्डर पे होंगे, बहुत लोग 17 नंबर होंगे, 16 क्वेश्चन सही होंगे, तो उन लोगों का क्या होगा अगर उनके 2-3 नंबर भी कम किए तो सीधा वो फेल हो जाएंगे, और जो जो 14-15 पे है उनके 2-3 नंबर बढ़ाएंगे तो वो हो जाएंगे पास। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सीन ये है कि अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ आंसर सीट है। तो मैं यही बोलूंगा, ज्यादा जल्दी ज्यादा जश्न मनाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दी ज्यादा हताश होने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नंबर कम आए हैं प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा गेम रोल प्ले करने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि 54 शिफ्ट हुए हैं, पता नहीं किसका तुक्का कहाँ लगे, आपके पढ़े हुए कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं नहीं आए हैं। कई बार क्या होता है जब हम लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे यार ये पेपर हमारे शिफ्ट में होता तो हम तो उस पेपर में फाड़ देते, बट हमारा जो पेपर आता है, हमारा जो शिफ्ट आता है उसमें पता लगता है कि ये पेपर जो आया है इस पेपर में तो हमें कुछ नहीं आता। तो ऐसा होता है, इसमें बहुत कुछ आपका हार्डवर्क डिपेंड करता है, तो बहुत कुछ आपकी किस्मत भी डिपेंड करती है। तो किस्मत का साथ होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी बड़ा रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपको पता लगेगा कि किस्मत ने कितना आपका साथ दिया है, क्या चीजें हुई हैं। बट अभी भी मैं बोलूंगा जिनके नंबर 90 से 95 के बीच में है प्लीज आप लोग रनिंग कर लीजिए। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 5 नंबर बढ़ा दे, 6 नंबर बढ़ा दे और आप 100 पार हो जाओ और शायद आपका रैंक में कहीं पे नीचे से ही नाम आ जाए। अगर आपने अभी अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया, आपने रनिंग नहीं की, अपनी चीज़ें छोड़ दी, तो बाद में क्या होगा कि आपका नंबर आने के बाद भी आप रनिंग नहीं कर पाओगे, आपकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी चीज़ें हैं। और देखिए, मैं किसी डाटा पे इतना ज़्यादा खास यकीन नहीं करता, हो सकता है सामने वाले ने जो दिया है वो सही हो, सकता है सामने वाले जो दिया वो गलत भी हो, तो डाटा पे इतना नहीं जाते हैं। बट एक जो श्योरिटी वाली बात ये है कि देखिए, पेपर में अलग अलग लेवल में पेपर थे, अलग अलग चीज़ें थी, कौन से बच्चे को क्या चीज़ आती थी, आपके सेक्शन में जो चीज़ आई वो चीज़ मुझे आती हो, मेरे सेक्शन में जो चीज़ आई वो आपको आती हो, ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं यहाँ पर पेपर में। गाइस, मैं आपको एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपका नंबर अगर 95 से लेकर 105, 110 या आपको लग रहा है डाउट कि मेरा 95 है या मेरा 100 है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस सब भूल में मत रहिए, आप लोग आराम से अपनी तैयारी कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हो सकता है, मैं 100% श्योरिटी किसी चीज़ में नहीं हूँ। देखिए, बोर्ड है, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए प्लीज़
आप लोग लास्ट मोमेंट पे इतना आपने मेहनत किया है, यहाँ तक पहुंचा है, तो लास्ट मोमेंट पर अपने आप को ऐसा मत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी मत रहिए और ज़्यादा अपने आप को लो फील भी मत कीजिए। दोनों ही चीज़ें खतरनाक है, ज़्यादा एक्साइटेड भी बंदे को दिक्कत देती है और लो फील भी दिक्कत देती है, तो यही चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि अभी पेपर में कम मार्क्स आए हैं तो मेरी एक बात को आप याद रखिए, इस पेपर के अंदर में बहुत चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, बहुत चीज़ें आपकी हार्डवर्क भी डिपेंड करती है, बहुत चीज़ें आपने जो तुक्का मारा वो आपका कितना सही गया उस बात पे भी डिपेंड करती है कहीं हद तक। तो आप लोग ये मत सोचिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के अभी 120 नंबर आए हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कल आंसर किससे पहले ये नहीं बोल सकता था कि मेरे 120 ही नंबर सही है, मैं सही कर आया हूँ। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए और आप अपने आप को समझिए कि आप बेस्ट हैं, जो भी हैं आप बेस्ट हैं, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने जो प्योर मेहनत की वो भी आपका बेस्ट हुआ है, अभी आप जब रेस में देंगे या रेसिंग करेंगे तो भी वो भी आपका बेस्ट होगा। और अगर मान लीजिए इनकेस बेस्ट नहीं भी होता, सिलेक्शन नहीं भी होता, तो क्या UPSI इतनी बड़ी जॉब है? आप खुद सोच के देखिए एक बात, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को, आप लोग बस मैं इतना ही बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन अभी बहुत बड़ा गेम रोल प्ले करने वाली है, तो प्लीज़ होपलेस मत होइए अभी से। और अगर आपके जो भी जितने भी नंबर आप लोग रेस जरूर कीजिए, मैंने कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं बताया इतना कि अब दोबारा से बताऊँ कि इतने नंबर से इतने हो जाएगा, इतना से इतना हो जाएगा। आप लोग रेस की तैयारी कीजिए, मैंने एक मोटा मोटी आइडिया सभी चीज़ों को लेकर बता दिया है, मैंने अपना एनालाइज किया। दूसरी चीज़, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डाल के आपको गूगल फॉर्म एक भरवाऊंगा, गूगल फॉर्म में आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से भी मैं एक बार एनालिसिस कर दूंगा चीज़ों को, क्या चीज़ें उसमें मैं जो डाटा बोलूंगा डाटा डालिएगा। तो यही चीज़ें, थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखा और अच्छा लग रहा कि मैं अपना ऑफिस का टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, लास्ट मोमेंट तक आपके साथ है तो आपके साथ ही आप रहेंगे, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे क्या सही है नहीं है। मेरा बस मानना इतना ही कि हॉपलेस मत होइए बिल्कुल भी नहीं, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए आप बेस्ट हैं, आपके 105 आए तब भी कोई बात नहीं, आपके 95 आए हैं तब भी कोई बात नहीं, हर कंडीशन में आप बेस्ट हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो तक देखा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।